सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बुलेट प्रूफ हेलमेट्स की, और साथ ही जानेंगे कि क्या ये हेलमेट्स वाकई में बुलेट प्रूफ होते हैं या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। मिलिट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले हेलमेट्स को कॉम्बैट हेलमेट कहा जाता है, जिसका बेसिक पर्पस किसी भी आम हेलमेट की तरह ही इंडिविजुअल के हेड को प्रोटेक्ट करना होता है। शुरुआत में इंडियन मिलिट्री सोल्जर्स द्वारा जिन हेलमेट्स का इस्तेमाल किया जाता था, वे सभी फाइबर ग्लास के बने होते थे और उनका मॉडल 1974 के समय का था। लेकिन ये हेलमेट सोल्जर्स को पूरी सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं थे, और इसके साथ ही इन हेलमेट्स का वजन भी काफी ज्यादा था, जिससे सोल्जर्स की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा प्रभावित होती थी। और फिर इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए इन हेलमेट्स के रिप्लेसमेंट में एक नए हेलमेट को विकसित किया गया, जिसे पटका के नाम से जाना जाता है। और आज के समय में इन पटका हेलमेट्स का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा भी किया जा रहा है। ये पटका हेलमेट्स पुराने समय में इस्तेमाल किए जाने वाले हेलमेट्स के मुकाबले में काफी ज्यादा एडवांस हैं, क्योंकि ये हेलमेट्स 9mm की FMJ, 7.62x5mm की SLR और 7.62x39mm की माइल्ड स्टील कोर बुलेट से भी सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। इन हेलमेट्स का वजन 1 से 1.3 किलोग्राम तक है, और इन्हें नाइट विजन डिवाइसेस, रेडियो कम्युनिकेशन, बायनोकुलर्स और रेंज फाइंडर्स जैसे कई इक्विपमेंट्स के साथ भी यूज किया जा सकता है। इन हेलमेट्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि इन्हें ग्लव्स के साथ भी आसानी से पहना जा सके और एडजस्ट किया जा सके। पटका हेलमेट में केवलर सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे लाइट वेट बनाने के साथ साथ मजबूत भी बनाता है। इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद भी इस हेलमेट में कई सारी कमियां भी हैं, और इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि ये सोल्जर के हेड को चारों तरफ से प्रोटेक्शन प्रदान नहीं करता है, क्योंकि पटका हेलमेट्स का टॉप साइड बहुत ही पतला है और इसे केवल पॉलीथाइलिन फोम से कवर किया गया है, और ये हेलमेट सोल्जर के हेड को केवल आगे और पीछे की ओर से ही प्रोटेक्शन प्रदान करने में सक्षम है। और पटका हेलमेट्स की इन्हीं कमी को ध्यान में रखते हुए कानपुर में स्थित MKU प्राइवेट लिमिटेड ने इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए मॉडर्न बुलेट प्रूफ हेलमेट्स को विकसित किया है। MKU द्वारा विकसित किए गए इन बुलेट प्रूफ हेलमेट्स में भी केवलर को एक मेन प्रोटेक्टिव लेयर की तरह इस्तेमाल किया गया है, और MKU का दावा है कि इन हेलमेट्स को बहुत ही कठिन क्वालिटी टेस्ट और बैलिस्टिक लैब टेस्ट से गुजारा गया है। ये हेलमेट्स वजन में बहुत ही हल्के हैं, और इन्हें भी कम्युनिकेशन सिस्टम, नाइट विजन डिवाइसेस और भी कई इक्विपमेंट्स के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। और पिछले साल 2017 में जारी की गई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार MKU द्वारा विकसित किए गए इन मॉडर्न बुलेट प्रूफ हेलमेट्स के एक बैच को इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया है। हालांकि ये हेलमेट दो वेरिएंट में आते हैं, एक बोल्टेड वेरिएंट और दूसरा बोल्ट फ्री वेरिएंट, और इंडियन आर्मी ने इसके बोल्ट वाले हेलमेट्स को ऑर्डर किया है, और MKU द्वारा विकसित किए गए इन हेलमेट्स को मुकुट के नाम से जाना जाता है। और MKU द्वारा विकसित किए गए ये मुकुट हेलमेट्स इंडियन मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पटका और अदर हेलमेट्स के मुकाबले में वजन में ज्यादा हल्के हैं, और साथ ही ये सोल्जर्स के हेड को चारों तरफ से प्रोटेक्शन प्रदान करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि क्या ये बुलेट प्रूफ हेलमेट्स एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह ही सोल्जर्स को प्रोटेक्शन प्रदान करने में सक्षम है या नहीं। तो अगर इसका एक लाइन में आंसर दिया जाए तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि बुलेट प्रूफ हेलमेट्स केवल शॉर्ट रेंज के एम्यूनिशंस को ही रोकने में सक्षम है। यानी अगर इन हेलमेट्स में राइफल से डायरेक्ट फायर किया जाएगा तो ये हेलमेट्स उस हमले को रोकने में सक्षम नहीं है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।